नमस्कार दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से तहलका मचाया है, फिर से खतरनाक फैसला लेके पूरे दुनिया को चौंकाया है। चीन के घर में घुस के मारने का फैसला लिया है और पूरे दुनिया हैरान हो गया है। चीनी मीडिया अब खासतौर पे भारत के बारे में खूब लिख रहा है, बोल रहा है कि ये भारत क्या कर रहा है, भारत तो अब हद ही पार कर रहा है। भारत पहले कितना शांत था, भारत का विदेश नीति पहले कितना मस्त था, न कभी कुछ बोलता था न भी कुछ, अभी क्या हो गया है, हर जगह चीन को पीटने में लगा हो। दोस्तों, चीन के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है कि भारत को रोको, जल्दी रोको, ये कुछ भी कर देगा। दोस्तों, दुनिया के तमाम देश आज सदमे में है कि आखिरकार क्या हो रहा है। अमेरिका, रशिया, जापान, यूरोप सब आज सदमे में है, आखिरकार भारत को ये हो क्या गया है। इसलिए दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए, समझ आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, आप जानते हैं चाइना का पहले क्या नीति था, चीन का नीति था कि भारत को धमकाओ, भारत को डरा कर रखो और पूरे दुनिया पे राज करो, सबको बोलो कि हम एशिया में केवल हम ही हैं, भारत तो कुछ नहीं है, हम ही एशिया को चलाएंगे। और दोस्तों, चीन वही किया और यही कारण कि चीन अफ्रीका में अपना दबदबा बना लिया, यही कारण है कि चीन मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा दबदबा बना लिया और यही कारण है कि चीन का दोस्तों पकड़ हर जगह बढ़ गया और भारत धीरे धीरे पिछड़ते चला गया। लेकिन नया भारत जैसे आया ना, नया भारत में क्या कर रहा है, चीन के घर में घुस कर मारता ही है, साथ ही चीन जहाँ जाता है उसके पीछे पीछे जाके वहाँ से चीन को भगाने का काम करता है। कैसे तक कि चीन के घर में घुस चीन को भगाता है। दोस्तों, ऐसा अब तक होते आया है, लेकिन अब की बार जो फैसला लिया है ना, चीन तो सपने में चला गया, आखिरकार ये कैसे हो गया, ये तो असंभव है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पूरा खबर जानते हैं। देखिए, दरअसल भारत सरकार ने अब एक फैसला लिया, उनका कहना है कि हम अब मिडिल ईस्ट से तेल कम खरीदेंगे, अधिक से अधिक कच्चा ऑयल, अब यानी कि कच्चा तेल हम खासतौर पे अफ्रीकन कंट्री से खरीदेंगे, नॉर्थ अमेरिका से खरीदेंगे, क्योंकि हमें वहां से चाहिए। अब दोस्तों, इसीलिए चीन का थिंक टैंक गुस्से से लाल है, चीन का थिंक टैंक अपने तमाम डिबेट में बोल रहा है कि भारत आखिरकार क्या कर रहा है, भारत आखिरकार चीन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। दोस्तों, आप जानते हैं भारत ने हाल ही में मिडिल ईस्ट में चीन का तमाम वर्चस्व खत्म कर दिया। मिडिल ईस्ट में आज चीन को कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में आज चीन को कोई नहीं मानता है, कह सकते कि यहाँ तक कि छोटे मोटे देश हैं वो भी उसका इज्जत नहीं करता है, केवल ईरान छोड़ गए, यानी कि मिडिल ईस्ट से चीन आज गायब हो चुका है। तो यही बात वहाँ के थिंक टैंक बोल रहा है कि आखिरकार हमारा हालत मिडिल ईस्ट में क्या हुआ था, अब तो भारत वहाँ छोड़ के अब अफ्रीका में आ रहा है, अफ्रीका तो मेरा घर है, यहाँ तो हमारा डर है, यहाँ पे हम जो मन है वो करते हैं, और भारत अब अफ्रीका से ऑयल खरीदने वाला है, नॉर्थ अफ्रीका से कच्चा तेल खरीदने वाला है। भारत का कहीं ना कहीं ये सोचा समझा रणनीति है, भारत कच्चे तेल के आड़ में चीन का वर्चस्व खत्म करने के लिए आ रहा है, चीन का वर्चस्व पूरी तरह से अफ्रीका से गायब कर देगा, नॉर्थ अमेरिका से गायब कर देगा, इसीलिए भारत यहाँ पे कूदा है। दोस्तों, चीनी मीडिया का ये कहना है कि भारत यानी कि पिछले 5 साल में जहाँ जहाँ एंट्री किया है वहाँ वहाँ से चीन का कहानी खत्म हुआ है। आज यूरोप में चीन के लिए कोई बोलने वाला भी नहीं है, यूरोप में कोई भी देश चीन के लिए ओपनली समर्थन तक नहीं कर पा रहा है, वो कारण भारत है, भारत ने चीन को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। आज ब्रिटेन में चीन के लिए कोई बोलने वाला नहीं है, आज अमेरिका में चीन के लिए कोई बोलने वाला नहीं है, चीन का दुर्दशा भारत ने कर दिया है। अब भारत अफ्रीकन कंट्री में आ रहा है, खासतौर पे नॉर्थ अमेरिका में आ रहा है, ये तो भारत का रणनीति है, और कच्चे तेल के आड़ में भारत बहुत कुछ करने वाला है, चीन का प्रभाव खत्म कर देगा। दोस्तों, चीन का थिंक टैंक का मानना है। अब पूछेंगे आखिरकार भारत सरकार यहाँ पर क्या बोलता है। देखिए, भारत सरकार सिंपल बोलता है कि हम अभी तक मिडिल ईस्ट से तेल खरीदते थे, आगे भी खरीदेंगे, लेकिन अभी हम कम कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि यहाँ पर बहुत राजनीति होता है, यहाँ पर कोई कभी किसी प्रतिबंध लगाता है तो कोई कभी से लड़ता है, इतना ही नहीं कभी ओपेक देश तेल का प्राइस कम करता है, तेल का दाम बढ़ा देता है, जो मन है वो कर देता है। और बड़ी बात तो यह है कि मिडिल ईस्ट में कुछ देश ऐसा है ना जो हमेशा बार बार भारत को धोखा भी देता है। दोस्तों, जब भी कश्मीर का इशू होता है ओआईसी में, तो ओआईसी में तमाम देश एक हो जाता है और खासतौर पर पाकिस्तान के साथ देता है। तो भारत साफ बोल रहा है कि अब हम उसी से तेल लेंगे जो हमारा हितैषी हो, जिससे हम संबंध बनाएंगे, और इसीलिए मैं अफ्रीकन कंट्री में जा रहा हूँ और नॉर्थ अमेरिका में जा रहा हूँ। इतना ही नहीं, भारत ये तर्क दे रहा है कि अफ्रीकन तेल में या फिर नॉर्थ अमेरिका का तेल में सीएनजी गैस अधिक निकलता है, सीएनजी गैस निकलता है, इसीलिए हम कच्चे ऑयल वहीं से खरीदेंगे। ये चीन क्या बेवकूफ़ी बात कर रहा है, चीन के बात में कोई तर्क नहीं है, हम चीन के लिए क्यों जाए, हम तो अपने में खुश हैं। दोस्तों, भारत का साफ कहना है कि चीन केवल मूर्ख जैसा बात करता है, हमें किसी से लेना देना नहीं है, हम जो करते हैं अपने लिए करते हैं। लेकिन चीन का ये कहना है, चीनी थिंक टैंक का ये कहना है कि भारत बड़े प्यार से बड़े आराम से चीन को पर काट रहा है। दोस्तों, ऐसा चीन के मीडिया कह रहा है, उनका कहना है कि भारत आराम आराम से घुसता है कहीं पे और चीन का सीधा
ऊपर कर देता है। चीन का हालत आज क्या हो गया, चीन का हालत आज कुत्ते जैसा हो गया दोस्तों, ऐसा चीन के मीडिया ही बोल रहा है। अब दोस्तों आप पूछेंगे तो क्या भारत सचमुच में अगर अफ्रीका में जाएगा तो क्या चीन का प्रभाव कम कर पाए क्या? चीन से तो अफ्रीका बहुत लोन लिया हुआ है, अफ्रीकन यानी कि अफ्रीका में कम से कम 54 से 55 देश है, तो अफ्रीकन कंट्री में चीन अभी तक कम से कम $100 बिलियन से अधिक लोन दिया है, पूरे देश मिला के $100 बिलियन का लोन दिया है, तो भारत आखिरकार कैसे वहाँ प्रभाव खत्म कर पाएगा? दोस्तों ये बात जान लीजिए, वर्तमान का भारत जो चाहता है वो करके दिखाता है। आज से 5 साल पहले कौन बोल सकता है कि इतना भारत का मित्र बन जाएगा यूरोपियन यूनियन में, कौन बोल सकता है कि ऑस्ट्रेलिया भारत का इतना अच्छा मित्र बन जाता? दोस्तों सब जानता था कि ऑस्ट्रेलिया और चीन में कितना अच्छा मित्र था, कितना अच्छा व्यापार था, लेकिन आज क्या है, ऑस्ट्रेलिया भारत का भाई जैसा बन गया है, वो पहले चीन को गाली तक दे रहा है। कह सकते हैं कि आज से पहले कौन बोलता था कि अमेरिका और पहले भारत का समर्थन करेगा? दोस्तों ये आज का भारत है, भारत सीधा करता है या फिर करवाता है, भारत जानता है कि अगर अफ्रीका में जाएंगे तो इतना तो तय है कि मान लीजिए हम 100% इसका प्रभाव ना खत्म कर पाए, जिनका हम 100% प्रभाव ना खत्म कर पाए तो कम से कम 50% तो कर ही देंगे ना, 50% प्रभाव तो बिल्कुल खत्म कर देंगे। इसीलिए दोस्तों भारत वहाँ पे एंट्री कर रहा है, और बड़ी बात तो यह है कि अफ्रीका में एंट्री से अमेरिका भी खुश है, रूस भी खुश है, पूरा यूरोप खुश है, जापान खुश है, सब चाहता है कि भारत वहाँ पे एंट्री करे। दोस्तों आप जानते हैं ना, अफ्रीका में नहीं अच्छा पकड़ रूस का है, नहीं अच्छा पकड़ अमेरिका का है, केवल पूरी तरह से दबदबा चीन का है। और बड़ी बात तो यह है कि अफ्रीका में आज भी दोस्तों भारत का जो बड़े बड़े कंपनियाँ है वहाँ पर खूब चलता है, मान लीजिए महिंद्रा हो गया, जो भी है अशोक लैलैंड हो, दोस्तों बड़े बड़े ट्रक ट्रैक्टर सब अफ्रीका में दोस्तों खूब बिकता है, सस्ते दाम में बिकता है, भारत का मोटरसाइकिल बिकता है। कह सकते हैं कि चीन को ऑलरेडी भारत खासतौर पर वहाँ पर टक्कर दे रहा है, और अफ्रीका का लोग भारत से ऑलरेडी प्यार भी करता है, और यही कारण है कि भारत ने हाल ही में अफ्रीका का यूएन में समर्थन किया था, बोला था कि अफ्रीका को भी परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए, वीटो पावर मिलना चाहिए। दोस्तों भारत बहुत बड़ा रणनीतिक गेम खेल रहा है, भारत चाहता है कि पूरी तरह से जो आज कब्जा अफ्रीका में है चीन का ना, वो खत्म कर दे, और दोस्तों ये तय है भारत खत्म कर देगा। 2 साल में देखेंगे भारत आधा अफ्रीका दोस्तों अपने अंदर कर लेगा, देखेंगे अफ्रीका का लोग भारत के बात को सुनेगा, क्योंकि नौजवान वैसे भी चीन से नफरत करता है, चीन के खिलाफ कई बार वहाँ पे धरना प्रदर्शन हो चुका है, सब बोलता है कि चीन हमें गुलाम बनेगा। दोस्तों अफ्रीका में कई बार ऐसा हुआ है कि नौजवान चीन को बायकॉट करने का नारा लगाया है, अब भारत वहाँ पे एंट्री किया है, सिंपल सी बात है, सबको एक बल मिलेगा, और आप देखेंगे भारत तेल के बहाने में बहुत बड़ा खेल कर देगा, और इसीलिए चीन परेशान है, चीन हैरान है, आखिरकार भारत को हम कैसे रोके, भारत से हम कैसे पंगा ले, भारत से हम कहीं भी उलझते हैं तो हम हार ही जाते हैं, चाहे हम बॉर्डर पे उलझे हार जाते हैं, चाहे हम कूटनीति के मामले में उलझे वो भी हार जाते हैं, भारत को हम कैसे हराए, ये मोदी हमें बहुत बड़ा सबक सिखा रहा है। दोस्तों ऐसा चीन के तमाम मीडिया बोल रहा है, चीन के थिंक टैंक बोल रहा है। इन सब के अलावा भारत ने हाल ही में कहा था कि हम अफ्रीका से लिथियम लाएंगे, लिथियम डिफाइन करेंगे, भारत लाएंगे। दोस्तों भारत का पूरा फोकस अफ्रीका से, कह सकते हैं कि चीन जो एक तरफा लिथियम वहाँ से लाता था, खरीदता था, बेचता था, भारत बोल रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम भी खरीदेंगे, और अर्जेंटीना बहुत सारा बोलोविया बहुत सारे देश से एग्रीमेंट भी किया। कह सकते हैं कि चीन का दबदबा समझिए 5 साल में खत्म। दोस्तों जो चीन पिछले 40 से 50 साल में अफ्रीका पर पूरा राज्य कायम किया था, भारत केवल 5 साल में खत्म करने वाला है, और इसीलिए चीन पगलाया है, बुखलाया है, और चीन के थिंक टैंक बोल रहा है कि किसी भी तरह से भारत को रोको, नहीं तो यहाँ से सब कुछ बदलने वाला है।